सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के कूड़ा नदी में कल एक 22 वर्षीय युवक भैंस चराने गया था, जिससे युवक का पैर फिसल जाता है और नदी का तेज बहाव होने के कारण पानी में बह जाता है। इसकी सूचना मिलते ही आला अधिकारी पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर खोजबीन में जुटी रही, जिससे काफी खोजबीन करने के बाद युवक का शव बेडसड़ घाट पर मिला। युवक का शव मिलने से परिवार में मातम छा गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब युवक डूब रहा था तो कुछ लोगों ने देखा भी और कुछ देर के बाद नजर नहीं आया और 24 घंटे के बाद युवक का शव मिला। वहीं उपजिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने कहा कि कल एक युवक भैंस चराने के लिए आया था और उसका पैर फिसल जाने के कारण नदी में बह गया और एनडीआरएफ की टीम को बुलवाकर खोजबीन करवाई गई और आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल अपराह्न 3:30 बजे प्रति बाजार का रहने वाला एक युवक है पिंकू पुत्र उदयराज, उम्र करीब 22 वर्ष, ये अपनी भैंस नहला रहा था नदी में। उसी वक्त एकाएक प्रवाह तेज था तो उसमें पैर फिसल जाने से ये बह गया प्रवाह में। उसके बाद फिर जो है हम लोगों को सूचना मिली थाना उसका बाजार के साथ में हम लोग लगे रहे। एनडीआरएफ टीम बुलाई गई, वो भी सर्च ऑपरेशन सुबह से चला रही थी, लेकिन अभी ग्रामीणों द्वारा करीब 2 बजे अवगत कराया गया कि वो जो है डेड बॉडी जो है यहाँ बगल के गांव में नौकनिया और बेलखंड के बॉर्डर पर चिन्हित हुई है। फिर ग्रामीणों की मदद से उसको निकलवाया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।